आपने पुकारा हम चले आए लेके किताब, क्लास 11th पढ़ाने आए हैं। तो जो भी मैट्रिक पास कर चुके हैं और क्लास 11th के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 11th शुरू कीजिए, तो लो क्लास 11th लेकर के हम आ गए हैं। तो आज से जो है कि शुरुआत चैप्टर से हम चलेंगे और आराम से धीरे धीरे और पूरी तरह से समझते हुए चलेंगे। क्लास 11th की संपूर्ण तैयारी जो है कि आपको इस चैनल पर मिलेगी और आप लोग जो है कि शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य छात्र भी जो है कि लाभ ले सके क्लास 11th का और घर बैठे पढ़ाई कर सके। डॉटनेट पर सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डॉट्स का होगा चुटकियों में सफाया। बस अपने क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसे क्रॉप करो और सबमिट करो, कुछ सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डॉट है तो डॉटनेट करो, क्लास 6 से लेकर के 12th अप टू नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डॉटनेट एप्स। इसकी खासियत यह है कि इसका एक व्हाट्सएप नंबर भी है 8400400400, यहां भी फोटो भेजो और सॉल्यूशन पाओ। आज ही डाउनलोड करो डॉटनेट ऐप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 11th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इंग्लिश सब्जेक्ट की भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि आपका जो है कि सीरियली तैयारी हो सके और संपूर्ण तैयारी हो सके। और यहाँ पर हम आराम से जो है कि एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे और संपूर्ण तैयारी करेंगे। और जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शाम में 7 से 8 इस चैनल पर विजिट करके अपना संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग जब आप पढ़ने के लिए आते हैं तो देखिए, ऐसा नहीं कि YouTube पर जब हम पढ़ा रहे हैं तो जिस प्रकार से आप क्लास में पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये जो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो क्लास में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए है कि क्लास का ही ये वीडियो है। तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए और जो भी परिभाषा लिखाएंगे उनको आप नोट करते जाए। 10th पास करके आए हैं तो इसलिए आपको पता नहीं है कि थ्योरी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे। तो देखिए, इसमें पहले थ्योरी होगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी बताएंगे। आप देख सकते हैं कि क्लास 11th में जो है टोटल चैप्टर्स 16 हैं और फर्स्ट चैप्टर आपका सेट्स है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सेट क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर सेट है, तो यहाँ पर आप परिभाषा जान लीजिए कि सेट क्या है, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं। सुपरिभाषित या भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम खोल करके लिखिए कि सेट किसे कहते हैं और डैश देके लिखिए कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। वैसे बोर्ड पर भी परिभाषा लिख देता हूँ आप लोग। सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जान लेते हैं, इसके बाद इसके पूरे डिटेल्स को हम जानेंगे कि सेट क्या है, और आपको हम इस प्रकार से बताएंगे कि आप एक बार में समझ जाएंगे। देखिए, सेट का डेफिनेशन क्या है। तो ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब इनका हिंदी क्या होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर परिभाषा को देख रहे हैं तो वीडियो को रोक दीजिए और अपने कॉपी पर उतार लीजिए और इनको याद करते चलिए। अब यहाँ पर चलिए इनके डिटेल्स को समझिए। जान लीजिए कि अपने दैनिक जीवन में कि सेट आप कहाँ कहाँ देखे हैं और आपने गौर नहीं किया है। देखिए, आपने कपड़ों का सेट देखा है, आपके पास कपड़ों का सेट होगा, और उसके बाद आप स्कूल गए होंगे तो बेंच डेस्क का सेट देखा होगा, बर्तनों का सेट देखा होगा, और सभी स्टूडेंट्स के पास जो है कि किताबों का भी सेट होता ही है, तो सेट से आप परिचित हैं, लेकिन सीरियसली आपने गौर नहीं किया था। देखिए, वहां के सेट और यहाँ के सेट में जो है ना कोई खास अंतर नहीं है। जैसे आपके पास किताबों का सेट, उसको भी हम सेट कहेंगे। जैसे क्लास 10th NCERT का आपको बुक है, यानी एक बुक है, ठीक है, उसके बाद आपके पास साइंस का है, सोशल साइंस का है, तो सभी का कलेक्शन जो है, सभी का संग्रह, सभी को एक जगह करेंगे, तो ये आपका सेट है। सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न, सुपरिभाषित मतलब बोल जाता है भिन्न भिन्न, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो इसलिए देखिए, एक ही कैटेगरी का जो है 10 बुक रख लेंगे तो उसको सेट हम नहीं कहेंगे, लेकिन भिन्न भिन्न टाइप का होना चाहिए तो उनको आप सेट कह सकते हैं। तो यही सेट होता है। जैसे मान के चलिए कि आप कपड़ा खरीदते हैं तो सेम साइज का एक ही कंपनी का जो है कि आप 10 कपड़ा खरीद लेंगे, उनको रखेंगे तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो वही आप भिन्न भिन्न ब्रांड का आप कपड़ा खरीदेंगे या एक ही ब्रांड का है और उनका साइज भिन्न भिन्न रहेगा, उनको साथ रखेंगे तो उनको हम सेट कह सकते हैं। जैसे एक ही कंपनी का 10 ग्लास ले लेंगे, एक ही कंपनी, ध्यान से सुनिए, एक ही कंपनी का जो है कि
10 क्लास ले लेंगे, उनका साइज सब चीज सेम है, उनको एक साथ रखेंगे, उनको सेट नहीं कहेंगे, वही डिफरेंट टाइप का होगा तो उनको आप सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे सेट में एक एलिमेंट भी होता है तो उनको सिंगलटन सेट आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि सेम प्रकार का चीज जब रिपीट हो जाएगा तो क्या होता है कि सेट के परिभाषा से विपरीत चला जाता है, तो इसलिए भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बराबर क्या लिए है, ए बी सी, और बी बराबर हम क्या लिए हैं, एक दो तीन, तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले चुके हैं। देखिए ये जो है ये सेट है, ये क्या है, सेट है, और ए बी सी, अब देखिए ये मिड ब्रैकेट के अंदर में है तो ये पूरे क्या है आपका, सेट है, और ये बी भी क्या है आपका, सेट है। अब देखिए इनसे क्या क्लियर होता है, जैसे यहाँ पर ए ले लिए है और बी ले लिए है, तो आप लोग जानते हैं कि ए क्या है, कैपिटल लेटर में है, और बी क्या है, कैपिटल लेटर में, यानी सेट को जब हम सूचित करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी पर नोट कीजिए कि सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। अब देखिए ये जो ए है सेट ए का अवयव है, ये क्या है, सेट ए का अवयव है, क्योंकि ये जो है सेट ए में है, और ये जो बी है सेट ए का क्या है, अवयव है, और सी जो है सेट ए का क्या है, अवयव है, इनको सदस्य भी बोलते हैं, इनको हम ए को हम क्या, ए का हम सदस्य बोल सकते हैं, बी को हम ए का सदस्य बोल सकते हैं, सी भी ए का क्या हो गया, सदस्य हो गया। अब देखिए इसको हम किस ब्रैकेट के अंदर में रखे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं ये मिडल ब्रैकेट है, तो सेट के अवयवों को मिडल ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है। एक बार पुनः रिविजन कर लीजिए, सेट किसे कहते हैं, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, और सेट को हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, और इसके अवयवों को, सेट के अवयवों को जो सदस्य होता है उनको हम स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, और किस ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में हम रखते हैं। तो इतना चीज क्लियर हो गया, और इस प्रकार से भी ले सकते हैं आप, जितना मन चाहे उतना एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर में जो है कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों संख्या ले सकते हैं। हमने अभी समझाए दिया है, अब इनके डेफिनेशन को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए इनका डेफिनेशन क्या है, मेंबर्स के एलिमेंट्स, अब मेंबर्स का मतलब समझ ही चुके हैं, सदस्य होता है, एलिमेंट्स मतलब तत्व होता है या अवयव होता है। तो दो ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स या एलिमेंट्स। देखिए संग्रह के वस्तुओं को अवयव या तत्व कहते हैं, संग्रह के वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अवयव या तत्व। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आई ई यू क्या हो गया, इनका अवयव या तत्व हुआ, इसी को देखिए ये संग्रह का वस्तु हो गया, आई ई यू ये संग्रह का क्या हो गया, वस्तु, इसी को हम अवयव या तत्व कहते हैं। अब कोई एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे छो सात आठ नियम ले लिए, तो देखिए छो सात आठ को हम क्या कहेंगे, यही क्या कहलाता है, मेंबर्स कहलाता है, यानी छो क्या हो गया, मेंबर हो गया। अब देखिए छो सात आठ ये मेंबर्स कहलाते हैं, यानी एस प्लूरल बना देंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सेट्स। तो यहाँ पर देखिए सेट को सूचित करने के लिए क्या मानक संकेत है, इनको भी आप देख लीजिए। तो देखिए जैसे एन, एन फॉर क्या हो गया, नेचुरल नंबर, तो देखिए नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या आप लोग जानते ही है, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए एन से हम किसको सूचित करते हैं, किस सेट का ये सूचक है एन, तो एन देखिए एन जो है यह प्राकृत संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, यानी एन लिखा रहे तो समझ जाइए ये प्राकृत संख्याओं का सेट है। उसके बाद देखिए जेड या आई, जेड या आई, अब देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है, तो आप लोग पहले से ही जान चुके हैं। तो ये देखिए जेड या आई, इनसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांकों का ये समुच्चय है, जेड या आई ये पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट। उसके बाद देखिए क्यू, अब देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर,
ये क्यू जो है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का सूचक है, यानी पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या लिखा जाए और जहां पर क्यू का मान क्या हो, जीरो नहीं हो, तो ये वही परिमेय संख्या हो गया जो आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये आर फोर क्या हो गया, ये रियल नंबर्स हो गया। देखिए ये जो है कि वास्तविक संख्याओं का समुच है। और जेड प्लस, तो जेड प्लस हम बोल दिए, तो देखिए जेड मतलब क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है, तो जेड प्लस लिखा रहे तो समझ जाइए कि उसमें सिर्फ प्लस वाला ही संख्या आएगा, या जेड माइनस लिखा रहे तो समझ जाइए उसमें सिर्फ माइनस वाला ही संख्या आएगा। उसी प्रकार से ये भी है, यानी धनात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक वास्तविक संख्या। तो यही जो है कि सेट का जो है कुछ मानक सूचक है। इनको आप लोग जो है कि अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको याद सकते हैं कि मीनिंग ऑफ, इनको हम बोलते हैं ई टाइप का है ना, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और इंग्लिश में इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू या ओआर ओर, इनका हिंदी क्या होता है, या डज नॉट बिलोंग टू, इनको डज नॉट बिलोंग टू या एप्सिलॉन नॉट, ये आप पढ़ सकते हैं। हिंदी इसका होगा कि एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का अर्थ। अब चलिए तो पहले इसका हम अर्थ जान लेते हैं। तो एक नंबर यहाँ पर हम दे चुके हैं, तो देखिए मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन इसका क्या अर्थ होता है, तो इनको हम पहले परिभाषा के रूप में समझा देते हैं, उसके बाद एग्जांपल देकर के समझाएंगे, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखिए इसका अर्थ होता है, यदि यदि एक्स ए का सदस्य हो, यदि एक्स ए का सदस्य हो तो इसे दर्शाने के लिए, इसे दर्शाने के लिए, देखिए जैसे हम यहाँ पर लिखते जाते हैं तो आप अपने कॉपी पर नोट करते जाइए परिभाषा को, क्योंकि हम सीरियली चल रहे हैं और जिस प्रकार से आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दर्शाने के लिए ये देख सकते हैं बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। अब देखिए अगर x a का सदस्य हो तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a। अब देखिए इनको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, रीड एज इंग्लिश, यानी इसको जो है हम इंग्लिश में किस प्रकार से पढ़ेंगे, यहां पर जो लिखा हुआ है तो इनको हम पढ़ेंगे x belongs to the set A, ये इंग्लिश में आपने जान लिया, इसका अर्थ हो गया कि x belongs to the set A। अब देखिए हिंदी में इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसका अर्थ हिंदी में होता है कि x A का सदस्य है, x A का क्या है, सदस्य है। अब जो है कि एप्सिलॉन नोट का हम आपको प्रयोग बताते हैं और उसके बाद हम आपको एक एग्जांपल लेकर के इस सीन का जो प्रयोग होगा और आप जो एक्सरसाइज में सवाल बनाएंगे उनको जानेंगे। तो देखिए अब यहीं पर हम दो नंबर कर देते हैं, आप लोग जो है कि अलग में दो नंबर कर लीजिए, और यहाँ पर ऐसे मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन है ना, तो यहाँ पर ऐसे कट कर दीजिए, एप्सिलॉन नोट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नोट कर दिए हैं, बदल दिए हैं। अब हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में आप लिखेंगे कोस्ट में कि एप्सिलॉन नोट का अर्थ। अब देखिए परिभाषा सब चीज सेम रहेगा, थोड़ा हम चेंज करेंगे। देखिए यदि एक्स ए का सदस्य यहाँ पर क्या था, हो, अब नोट कर दिए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं, एक ही चीज इसको यहाँ पर लिख लीजिए कि एक्स ए का सदस्य नहीं हो। एप्सिलॉन में क्या होता है कि एक्स ए का सदस्य हो, और एप्सिलॉन नोट में आप क्या करेंगे कि एक्स ए का सदस्य नहीं हो, तो नहीं हो, तो इसे दर्शाने के लिए एप्सिलॉन नोट का प्रयोग करते हैं।
यानी डज नॉट बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसका प्रतीकात्मक रूप हो गया। अब देखिए इसको रीड एज इंग्लिश, अब इंग्लिश में हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू belonging बिलोंग टू द सेट ए, बस वहां पर क्या था बिलोंग टू द सेट ए, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। और वही चीज हिंदी में इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक्स ए का सदस्य नहीं है, एक्स ए का सदस्य नहीं है। तो आपने जान लिया है कि एप्सिलॉन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सदस्य को दर्शाने के लिए, उसमें इन दोनों चिन्ह का यूज होगा। यहाँ पर आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज बनाने में कोई कठिनाई नहीं। ये एक सेट है, सेट जिनका हिंदी होता है समुच्चय। इसमें तीन एलिमेंट हम ले लेते हैं, पांच तक ले लेते हैं, ऐसे पांच एलिमेंट ले लिए हैं। अब देखिए तो यहाँ पर वन लिख दिए, ऐसे डॉट डॉट मार दिए और यहाँ पर ए कर दिए। अब देखिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, दो चिन्ह आपके पास मौजूद है, ये है और ये है, तो आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हम बताते हैं, देखिए वन जो है यहाँ पर, देखिए वन किस में है, यहाँ पर ए में है कि नहीं है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग होगा, बिलोंग्स टू का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब देखिए हम यहाँ पर हम जीरो ले लेते हैं और ए लेते हैं, तो देखिए इस चिन्ह का प्रयोग होगा कि इस चिन्ह का प्रयोग होगा, कमेंट करके आप लोग बताएं। जीरो, तो जीरो ए में है नहीं है, तो जीरो ए का सदस्य नहीं है, ऐसे काट देंगे, इस चिन्ह का प्रयोग होगा। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम पांच ले लिए, ए ले लिए, अब किस चिन्ह का प्रयोग होगा, देखिए पांच जो है इसमें खोजिए है, हाँ मिल गया, तो पांच ए में है, ये बिलोंग्स टू का प्रयोग होगा। चौथा एग्जाम्पल अगर हम आठ ले ले और यहाँ पर ए ले ले, तो देखिए आठ ए में है कहीं पर भी, इसलिए कटो का निशान मार दो, यानी डज नॉट बिलोंग टू का प्रयोग होगा। तो आपने अब इनका अर्थ सही से जान लिया है कि जो है कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, यानी बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का प्रयोग कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब हम अगले हम परिभाषा को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि समूच को व्यक्त करने की विधियां, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, समूच को व्यक्त करने की विधियां। अब देखिए ये विधियां क्या है, तो ये प्रकार है, यानी समूच के प्रकार, समूच के प्रकार आपने तो पढ़ाई है बहुत चीज, व्याकरण में भी पढ़ा है, प्रकार होते हैं यानी भेद, जिनको क्या बोलते हैं भेद, तो समूच के कितने भेद होते हैं, तो देखिए जिनको हम विधि कहते हैं यानी इनको व्यक्त करने की विधि, तो समूच को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। देखिए पहला विधि क्या है, सारणी या तालिका रूप। देखिए सारणी या तालिका एक ही चीज है, यानी दो गो नाम है, किसी व्यक्ति का भी क्या होता है दो गो नाम होता है, अनेक चीजों का दो नाम तीन नाम होता है ऐसे करके, तो सारणी या तालिका रूप। अब देखिए सारणी का इंग्लिश क्या होता है, टेबुलर, और तालिका का क्या होता है इंग्लिश, रोस्टर, और रूप का इंग्लिश क्या होता है, फॉर्म, तो सारणी या तालिका रूप। तो देखिए ज्यादा इसमें यूज करते हैं हम रोस्टर फॉर्म का, बुक सब में भी रहेगा रोस्टर फॉर्म, कहीं पढ़ेंगे एग्जाम में भी रोस्टर फॉर्म रहेगा। दूसरा है समूच निर्माण रूप, इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, समूच निर्माण रूप, और इसका जो है कि दो नाम और है, गुण प्रकटीकरण प्रतीकात्मक रूप ये भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो नाम चलता है समूच निर्माण रूप, यानी हिसाब भी रहेगा इसी प्रकार से रहेगा, बुक में ही इसी चीज का प्रयोग किया गया है। तो पुनः एक बार जान लीजिए कि समूच के कितने भेद हैं, यानी इनको व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, दो विधि है, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, इस प्रकार से याद रखिए, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे करके आपको याद रखना है। आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए पहले, ऐसे करके सारणी या तालिका रूप, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा समूच निर्माण रूप। अब हम इनके परिभाषा को जानेंगे, इनका परिभाषा क्या है विस्तार पूर्वक, परिभाषा को जानेंगे। देखिए इनका जो पहला टाइप है, इनका परिभाषा क्या है, सारणी या तालिका रूप का,
इंग्लिश में इसका परिभाषा होगा, जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे इंग्लिश में लिख लेंगे, जो हिंदी में लिखना चाहेंगे हिंदी में लिख लेंगे, दोनों परिभाषा यहाँ पर है। देखिए ये क्या है कि इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेज, यहाँ पर देख सकते हैं मिडिल ब्रैकेट है, एंड सेपरेट देम बाय कॉमन, यानी इस रूप में समूह के सभी अवयवों को मंझोले कोष्टक के अंदर, यहाँ पर अंदर कर लेना है, अंदर एक एक कर अर्धविराम देकर लिखा जाता है, एक एक कर अर्धविराम देकर लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने अभी तक जो सेट का देखा है सभी हम इसी का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो पुनः हम सेट ए बराबर हम ले लेते हैं कोई संख्या जैसे 3, 4, 5, तो देखिए यहीं से परिभाषा निकल आएगा। देखिए मंझोले कोष्टक के अंदर और इसमें जितने भी संख्याएं हैं सभी को हम एक एक करके क्या किए हैं, कोमा दे करके लिखे हैं। तो देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, यही है आपका सारणी या तालिका रूप। और यहाँ पर जो हम परिभाषा लिखे हैं देखिए वही चीज तो है कि इस रूप में समूच के सभी अवयवों को मंझोले कोष्टक के अंदर एक एक कर अर्धविराम देकर लिखा जाता है। देखिए वही चीज तो है मंझोले कोष्टक के अंदर। तो चलिए आपने तो पहले प्रकार को देख लिया है, अब हम इसके दूसरे प्रकार की हम परिभाषा को जान लेते हैं और उनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इनको अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, इनका यूज जो है कि अब जो है कि फर्स्ट चैप्टर में होते रहेगा और अन्य स्थान पर भी होगा। और देखिए इस चैप्टर को जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो आप लोग सीरियसली पढ़िए, क्योंकि आप लोग रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th में तो वहां पर भी आपको यूज होगा सबसेट का, खास करके सबसेट जब हम पढ़ाएंगे तो उनको सीरियसली देखना है, उनका काफी यूज होगा। इनके दूसरे रूप को लिख लीजिए अपने कॉपी पर, समूच निर्माण रूप, यानी इसका जो दूसरा भेद है वो समूच निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इंग्लिश में आप परिभाषा लिखिए जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब इनका हिंदी क्या होता है कि इस रूप में मंझोले कोष्टक के अंदर, यानी सेट के एलिमेंट को रखेंगे तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में ही रखेंगे, कि अंदर एक चर एक्स को लिखकर तिरछी लकीर, यहाँ पर देख सकते हैं तिरछी लकीर, या कोलन देकर पुनः चर एक्स लिखकर, चर एक्स लिखकर तथा कोमा देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समूह के सभी अवयवों द्वारा संतुष्ट होता है। पुनः एक बार आप लोग कॉपी पर लिखिए सुन लीजिए, यानी इस रूप में मंझोले कोष्टक के अंदर एक चर एक्स लिखकर तिरछी लकीर या कोमा, तिरछी लकीर या कोमा देकर पुनः चर एक्स लिखकर तथा कोमा देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समूच के सभी अवयवों द्वारा संतुष्ट होता है। अब एग्जाम्पल हम इनका देते हैं, आप लोग पूरी तरह से समझ जाएं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस जिले के हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो वहां पर सर्च कीजिए सम्राट सर SMRATSIR और वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं या आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा जान लिया है, इसके एग्जाम्पल को जानिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल फॉर्म में, यानी पहला रूप जो था उस रूप में, अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इनको आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो परिभाषा में क्या लिखा है कि मंझोली कोष्टक के अंदर एक चर एक्स लिखकर तिरछी लकीर या तिरछी लकीर या नहीं तो कोलन दे सकते हैं। अब पुनः क्या लिखेंगे, एक चर एक्स लिखेंगे तथा कोमा देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समूह के सभी अवयवों द्वारा संतुष्ट होता है। देखिए ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यहां पर लिख देना है अंग्रेजी वर्णमाला का
स्वर है। देखिए आपने लिख लिया, कोनो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, हम बी ले लेते हैं और इसमें देखते हैं एक दो तीन चार और पांच, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, यही मंझोली कोष्टक कोलन, देखिए कोलन या तिरछी लकीर, या तिरछी लकीर मार सकते हैं आप, पुनः एगो एक्स लिखिए देना है अब कोमा देकर। अब देखिए ये क्या है, प्राकृत संख्या है, चार छह से क्या है फोर भी बराबर। अब देखिए ये अभी रोस्टर फॉर्म में है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, तो देखिए मंझोली कोष्टक ले लेना है, जैसे परिभाषा है परिभाषा को देखिए, फिर एक्स लिख देंगे कोलन या ये तिरछी लकीर जो है ई यहाँ पर डाल दीजिए, और ई एक्स है ना, यहाँ पर एक्स रहने दीजिए। अब देखिए ये क्या है, छो से छोटी प्राकृत संख्याएं, छो से छोटी क्या है प्राकृत संख्याएं, तो यहाँ पर लिख दीजिए छो से छोटी प्राकृत संख्या। या आप लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखेंगे तो देखिए ये प्रथम पांच प्राकृत संख्या है, ये भाषा भी आप लिख सकते हैं, इनको आप जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म में समुच निर्माण रूप में, समुच निर्माण विधि में क्या लिख सकते हैं कि प्रथम पांच प्राकृत संख्या है या छो से छोटी प्राकृत संख्या है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं, और प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ये से एक्स डेट एक्स बराबर क्या कर दीजिए, यहाँ पर एन कर दीजिए और इनको बिलोंग्स टू एन कर दीजिए, वेयर एन लेस इक्वल टू फाइव, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, और n का जो मान है पांच से पांच या पांच से छोटी है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए अगले परिभाषा को, अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि परिमित समुच्च के अवयवों की संख्या, यानी परिमित समुच्च के अवयवों की संख्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट, इनका परिभाषा क्या है कि किसी परिमित समुच्च ए के सभी अवयवों की संख्या समुच्च ए का कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे ए कोई सेट है, ये कोई सेट है, इसमें जो है कि एक दो तीन ये एलिमेंट है, तो देखिए अब तीन एलिमेंट हैं तो एन ए बराबर आपको क्या हो गया तीन, तो यही तीन जो है इसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। इसका एन का अर्थ हो गया नंबर, नंबर मतलब होता है संख्या, यानी ए में अवयवों की संख्या तीन हो गया, यही कार्डिनल नंबर कहलाता है। फिनाइट सेट, इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमित समुच्च, परिमित परिमित समुच्च। फिनाइट सेट, अब देखिए तो चलिए इनके हिंदी और इंग्लिश में दोनों परिभाषा को देख लीजिए। अब देखिए अब एग्जांपल को हम समझते हैं, एग्जांपल तो फिनाइट सेट क्या होता है, मतलब जिसके अवयवों को, मतलब जिस सेट के अवयवों को गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। एक बार पुनः आप लोग रिपीट कीजिए, वह सेट जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं वह सेट क्या कहलाता है, परिमित समुच्च कहलाता है, परिमित समुच्च, यानी जिस समुच्च में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्च। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सेट ए ले लिए और इसमें हम ले लेते हैं एक दो तीन चार, देखिए अवयवों की संख्या निश्चित है, कितने अवयव है चार अवयव है, तो ये परिमित आपको क्या हो गया समुच्च हो गया। ऐसे करके भी आप लिख देंगे ए डॉट डॉट यहाँ पर जेड तक, तो ये भी क्या है परिमित समुच्च, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं। तो देखिए अगर बाद में डॉट डॉट जो है कि लगा रहे या शुरुआत में लगा रहे तो वो क्या हो जाता है, वो परिमित समुच्च। तो इन्फिनाइट सेट, दूसरा इन्फिनाइट, ये पहला परिमित हो गया था, दूसरा क्या हो गया इन्फिनाइट, इन्फी
नाइट सेट, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ओपरिमित। तो देखिए ये इनफिनाइट सेट है ओपरिमित समूह, तो अब देखिए इनफिनाइट सेट इनका डेफिनेशन क्या है और इनके एग्जांपल। तो देखिए वह सेट जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सके, यानी वह सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, ओपरिमित समूह कहते हैं। यानी जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सके उसे हम क्या कहते हैं, ओपरिमित समूह। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए जैसे सेट ए ले लिए, शुरुआत में डॉट डॉट करके लिखा हुआ 4 3 2 1, तो देखिए यह भी आपका क्या हो गया, ओपरिमित हो गया। या चाहे तो आप पहले ऐसे माइनस भी लगा सकते हैं, ये भी क्यों डॉट डॉट लगा हुआ है, क्योंकि इधर भी अनंत तक जाएगा एलिमेंट। अगर एग्जांपल आप और ले लेते हैं जैसे 1 2 3, यानी डॉट डॉट लगा दीजिए, ये क्या हो गया इन्फिनाइट, अब अनंत तक जाएगा एलिमेंट, अब इसके एलिमेंट को आप गिन ही नहीं सकते हैं, ये क्या हो गया इन्फिनाइट। तो आप लोग कमेंट करके बताते चलिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि अन्य छात्र भी लाभ ले सके। हाँ, जो छात्र मधेपुरा सहरसा सुपौल के हैं और मधेपुरा में रहते हैं तो आप हमारे संस्थान पर आकर के पढ़ सकते हैं। कि समतुल्य समुच, इनके परिभाषा को आप जान लीजिए, समतुल्य समुच क्या है। देखिए आपको लिखने में कोई परेशानी हो तो वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद परिभाषा को लिखिए। यहाँ पर है कि दो परिमित समुच ए और बी समतुल्य समुच कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य समुच कहते हैं। यानी अवयवों की संख्या समान होना चाहिए, यदि ए और बी इक्विवेलेंट सेट हो तो इसको हम एन ए बराबर। एग्जाम्पल समतुल समुच के एग्जाम्पल, जैसे देखिए सेट ए है, इसमें क्या है 1 2 3, अब ऐसा नहीं कि हम 1 2 3 ले रहे हैं कि आप बी लो, मतलब कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। और बी में क्या है, ए बी सी, तो देखिए 1 2 3 इसमें भी एलिमेंट है, 1 2 3 इसमें भी एलिमेंट है, यानी एन ए बराबर क्या हो गया 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। उसके बाद देखिए एन बी, यानी बी में अवयवों की संख्या, इसका क्या हिंदी में पढ़ेंगे, ए में अवयवों की संख्या, इसका अर्थ हो गया एन, एन से नंबर होता है संख्या, तो बी में अवयवों की संख्या क्या है 3, तो एन ए बराबर आपको क्या हो गया एन बी, यानी अवयवों की संख्या क्या है, समान है। तो इसलिए ये क्या है, समतुल समुच है, यानी इसमें अवयवों की संख्या क्या होना चाहिए, समान। अगर मान के चलिए कि बराबर है तो और अच्छी बात है, लेकिन अवयवों की संख्या समान होना चाहिए। अगर ए में 5 एलिमेंट है तो बी में भी 5 एलिमेंट हो, हम बोल सकते हैं कि ए क्या है, इक्विवेलेंट है ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, यानी समतुल्य समुच है। अब देखिए ये तो इक्विवेलेंट हो गया, अब दूसरा होता है कि इक्वल सेट, बराबर समूच। देखिए इसमें होता है क्या, एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब देखिए ये तो इंग्लिश में परिभाषा हो गया, हिंदी में क्या है कि दो समूच बराबर समूच कहलाते हैं यदि दोनों में हूबहू वही अवयव हो, इसी को हम क्या कहते हैं, बराबर समूच। यानी अवयवों की संख्या तो बराबर होनी ही चाहिए और साथ साथ एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए हूबहू एलिमेंट होना चाहिए, जैसे ए बराबर आप ले लेते हैं 1 2 3, तो देखिए बी में भी आपको क्या लेना होगा, जैसे क्रम कुछ भी रहे इसे कोई मतलब नहीं, आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे रहेगा तब क्या, मान के चलिए कि बी में थोड़ा स्टाइल चेंज कर दीजिए, यानी 3 2 1 कर दीजिए। तो देखिए
एक दो तीन इसमें भी है, तो एक दो तीन इसमें भी है, क्रम से कोई लेना देना नहीं है, सेट में जो है क्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए, यानी हूबहू एलिमेंट, ए का हूबहू एलिमेंट बी में हो और बी का हूबहू एलिमेंट ए में हो, तो इसी को हम ए और बी को हम क्या कहेंगे, बराबर समूच। और इसको जो लिखा जाता है ए बराबर बी, इसको हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी, यानी इसको ए बराबर बी लिखा जाता है, आपने यहाँ पर देख लिया है, तो यही आपका बराबर समूच होता है। और आप लोग एक एग्जांपल हम लेते हैं, बताओ कि बराबर होगा कि नहीं होगा, ये आप लोगों के कमेंट के लिए है। जैसे ए बराबर हम ले लेते हैं ए बी सी, बी बराबर ले लेते हैं सी ए बी, चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए होगा कि नहीं होगा। इनका इंग्लिश क्या होता है, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, और हिंदी होता है को इंगित करता है, आप लोग लिखते चलिए को इंगित करता है, या के रूप में प्रयोग करते हैं या। अब देखिए दोनों बगल जो है कि ऐसे तीर का निशान लगा देंगे तो इनको हम क्या पढ़ते हैं, यदि केवल यदि, यदि केवल यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ये इसका इंग्लिश होता है ये सिंबल। तो इनको हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाय, देखिए इस चीज को देखा था, नाम नहीं जानते थे, अभी आपने नाम जान लिया, इम्प्लाय हिंदी में क्या कहते हैं, इंगित करता है, और दोनों तरफ तीर का निशान रहे जिसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि का प्रयोग करना होती है, सिंबल का प्रयोग कर दीजिए, दोनों चीज को आपने जान लिया है, एम्प्टी या नल या व्हाइट या जीरो सेट, देखिए ये सभी एक ही सेट का नाम है, देखिए एम्प्टी खाली हो गया, नल नल मतलब शून्य होता है, और जीरो का भी मीनिंग वही हुआ, ये सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय फाई, ये देख सकते हैं ये खाली। अब हिंदी में परिभाषा आप जान ही लीजिए, व्हाइट मतलब क्या होता है, रिक्त, तो खाली या रिक्त समुच, खाली या रिक्त समुच, तो देखिए खाली या रिक्त समुच किसे कहते हैं, तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो, आप लोग कॉपी खोल करके लिखिए, खाली या रिक्त समुच किसे कहते हैं, खाली या रिक्त समुच किसे कहते हैं, डैश मारिए और लिखिए, वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव मौजूद नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, खाली समुच कहते हैं। अब देखिए आपने कोई एक घर बना लिया है, घर बना लिया है, अब उसमें कोई भी सामान नहीं है, कोई भी आदमी भी नहीं रह रहा है, तो देखिए वह घर आपका क्या हो गया, खाली घर है, बोलते हैं खाली घर है। अच्छा हम कोई एक घर बनाते हैं उसको कंडीशन से बांध देते हैं, मान के चलिए कभी इस रूम में पढ़ा रहे हैं, इस रूम में पढ़ा रहे हैं ना, तो देखिए इस रूम में जब हम पढ़ा रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कंडीशन है कि इस रूम में हम उसी आदमी को रखेंगे जो मरने वाला नहीं है, जो मरने वाला नहीं है वो मरणशील है, तो बताओ खोज करके लाओ कितने आदमी आपको मिलेंगे इस रूम में रहने के लिए, एक भी आदमी नहीं मिलेगा, यानी मेरा ये रूम क्या हो गया, खाली हो गया कि नहीं हो गया, तो देखिए यही होता है एम्प्टी सेट, यानी आप कंडीशन से बांध दीजिए और सेट ले लीजिए तो वही क्या होता है, खाली हो जाता है। अब देखिए इसको जो हम सूचित करते हैं फाय या ऐसे खाली छोड़ दीजिए, तो देखिए इसका पहला एग्जांपल क्या होगा, ओ मरण सील आदमियों का समूह, यानी कोई एक सेट लेंगे, जैसे हम सेट ए ले लिए, हम कहेंगे इस सेट में उसी एलिमेंट को रखेंगे जो मरने वाला नहीं है, कितने मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेंगे। और दूसरा एग्जांपल होता है
दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, जैसे दो रेखा ऐसे काटती है तो देखिए यहाँ पर कटान बिंदु हुआ ना, तो कॉमन। अब यहाँ पर जो भी बिंदु लोगे इस रेखा का भी होगा और इस रेखा का भी, इसी को हम क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। तो प्रतिच्छेदी रेखा में तो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, लेकिन जब आप समांतर रेखा लेंगे तो ये कभी नहीं काटती है समांतर रेखा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो दूसरा एग्जांपल लिखिए दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब तीसरा एग्जांपल, दो से विभाज विषम संख्या, यानी देखिए एक सेट हम ले लिए, सी एक कोई सेट है ठीक है, उसमें इस सेट में वही एलिमेंट रखेंगे जो विषम संख्या हो लेकिन दो से विभाजित होता हो। कमेंट करके बताइए कोई ऐसी संख्या है जो विषम है लेकिन दो से विभाजित भी होती है। तो देखिए दो से जैसे ही विभाजित होगा वो सम हो जाएगा, विषम होगा ही नहीं, यानी ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। इसलिए ये सेट आपका क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? खाली समुच्च, रिक्त समुच्च या जीरो समुच्च, शून्य समुच्च, जो बोलना चाहो। तो समझे कि नहीं समझे? सिंगलटन सेट, सिंगलटन इनका हिंदी होता है एकल समुच्च, एकल समुच्च, एंड ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, यानी वैसा सेट जिसमें केवल एक अवयव हो। सिंगल मतलब क्या? सिंगल अकेला, वैसे नहीं वो सिंगल सिंगल आप लोग बोलते हैं, मतलब एक। तो जिस सेट में एगो एलिमेंट रहेगा उसी को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल है, सिंगल है, इसी को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। उसके बाद है कि युग्म समुच्च, पेयर सेट, यानी ए सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। देखिए पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, जोड़ा लगता है दो वस्तुओं का। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा दो वस्तुओं का लगता है, तो वही है पेयर सेट यानी युग्म जोड़ा, यानी ए सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट, यानी वैसा समुच्च जिसमें दो अवयव हो उसे हम क्या कहते हैं? युग्म समुच्च कहते हैं। और एग्जाम्पल को यहाँ पर देखिए, आप लोग समझ ही गए हैं कि पेयर सेट किसे कहते हैं? जिसमें दो अवयव हो उसे हम पेयर सेट कहते हैं। देखिए दो अवयव है, दो अवयव। अब है कि नॉन एम्प्टी सेट, पहले आपने एम्प्टी सेट पढ़ा खाली समुच्च, अब हो गया नॉन एम्प्टी सेट। देखिए अरिक्त समुच्च इसका हिंदी होता है, ए सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पर देख सकते हैं एट लीस्ट यानी कम से कम, जिस सेट में कम से कम जो है कि एगो एलिमेंट होना ही चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट, यानी एक से अधिक जितना हो सके, अनंत भी, लेकिन कम से कम एगो एलिमेंट होना चाहिए उसी को हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। अब जो है कि अंतिम परिभाषा सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्च, मतलब किसी समुच्च का प्रत्येक सदस्य भी क्या हो? एक समुच्च हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चयों का समुच्च। देखिए यहाँ पर दो बार कोष्ट से आपको घेरा हुआ मिलेगा, यहाँ पर एक बार और कोष्ट से घेरा जाएगा, सॉरी ठीक है। अब देखिए ये भी आपको समुच्च है, ये भी समुच्च है, ये भी समुच्च है, यानी दो बार आपको कोष्ट से मिल जाए तो वही क्या होता है? समुच्चयों का समुच्च। यानी देखिए ये तो ए समुच्च है ही, और इसका एलिमेंट जो एक है ये भी समुच्च है, दो है ये भी समुच्च है, तीन जो है ये भी समुच्च है। क्यों? क्योंकि ये मंझली कोष्ट से घेरा हुआ है। और सब जितना भी एग्जाम्पल देखिए इसमें, देखिए कहीं पर भी दिए हैं मंझली कोष्ट, वैसे संख्या को लिख दिए हैं। तो यानी जिस समुच्च का प्रत्येक सदस्य भी क्या हो? एक समुच्च हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चयों का समुच्च। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक शेयर करें।